आगे वाला एक आठ ही बोलेगा भाई। सीधे रहो सीधे रहो वाली दरार जहाँ तक आ गई ना उससे आगे दोनों तरफ दरार है। हल्ला नहीं करना, एक आदमी बोलो। मैंने आपको बोला उधर से एक राउंड या दूसरे राउंड में पक्का निकला जी। कह रहा सक्सेसफुल हुआ। हाँ, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया हमारा। क्या समस्या आई नीचे? अपने जयपुर सिविल डिफेंस जगदीश प्रसाद रावत जी के निर्देशन में और सिक्कर मदनलाल कोड़ी के निर्देशन में ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है। सिविल डिफेंस सिक्कर जयपुर SDRF इनके संयुक्त रूप से अपना ऑपरेशन इस समय कंप्लीट हो चुका है। समस्या ये आई कि उसके दोनों घुटने बैंड हो रखे थे और उस पर काफ़ी मिट्टी थी। बार बार हम जैसे खोदते हैं जैसे जैसे मिट्टी आ रही थी। अपन जहाँ बैठे थे ना वहाँ भिजवा दो। चलो भाई।
काफी क्योस है यहाँ पर। और इस वक्त दोपहर के करीब 12:59 पे बॉडी रिकवर कर ली गई है, बॉडी को ऊपर खींच रहे हैं, एम्बुलेंस यहाँ पे लग चुकी है। आप देख सकते हैं सारा प्रशासन अपना यहाँ पे इंतज़ाम कर रहा है, बॉडी को तुरंत यहाँ से पोस्टमार्टम के लिए सीकर लेकर जाया जाएगा। सिविल डिफेंस टीम सीकर और सिविल डिफेंस टीम जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में उनके NDRF आर्मी उनके इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रखते हुए बड़ी सेफ्टी के साथ में ये ऑपरेशन कंप्लीट हुआ। आज 9वें दिन बॉडी को रिकवर कर लिया गया है और इस वक्त पूरी टीम बॉडी को ऊपर खींच रही है और इसके बाद में बाकी की सारी जो फॉर्मेलिटीज़ है वो करी जाएगी और 9वें दिन लगभग आज पोस्टमार्टम के बाद बॉडी उनके परिजनों को सौंप दी जाएगी। काफ़ी समय लगा लेकिन आखिर में ये ऑपरेशन इस तरीके से 9 दिन के बाद में पूरा हुआ। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 6वीं वाहिनी की RRC रीजनल रेस्पॉन्स सेंटर अजमेर से एक टीम बुलाई गई थी क्योंकि उससे पहले सिविल डिफेंस SDRF यहां पे प्रयास कर चुके थे लेकिन सफलता नहीं मिली थी, तो NDRF को कॉल किया गया। NDRF ने सभी के साथ मिलकर प्रशासन के साथ मिलकर और सभी ने बड़ी मेहनत से जो है इस डेड बॉडी को निकालने में कामयाबी हासिल की। लगातार जो है 9वें दिन जाके जो ये सफलता हासिल RF, सिविल डिफेंस और SDRF और सभी जो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि और सभी अधिकारियों के सहयोग से ये जो डेड बॉडी है वो रिकवर कर ली गई है। जैसा कि बीच बीच में आप सभी लोगों को पता था कि किस तरह से विभिन्न बाधाओं का हमें इसमें सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि कल आर्मी और जो NDRF और पूरी टीम बुलाने के बाद भी और हेवी मशीनरी जो पाइलिंग मशीन बुलाने के बाद भी लगातार जो मिट्टी धंसने की समस्या फिर भी बरकरार रही, जबकि लोहे का एक बड़ा पाइप उसमें डाला गया था लेकिन यहाँ की मिट्टी की प्रकृति ऐसी रही कि उस कारण से हमें बार बार जब हम लास्ट में बॉडी तक पहुँच रहे थे तो पिछले कई दिनों से जो समस्या का सामना करना पड़ रहा था वो आज भी करना पड़ा। लेकिन हमारे जो सिविल डिफेंस के जो स्वयंसेवक हैं और जो हमारे आर्मी के जो ऑफिसर हैं मेजर साहब, उनके निर्देशन में ये जो बॉडी डेड बॉडी रिकवर करने का कार्य बहुत ही शानदार तरीके से बहुत ही सफलतापूर्वक और बहुत ही सुरक्षित तरीके से कर लिया गया। मैं विशेष आभार प्रकट करना चाहूँगा हमारी सिविल डिफेंस की टीम जो कि जयपुर से आई है, उसमें जो कई वॉलंटियर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने पूरे जी जान से इस मिशन को सफल बनाया है और उनको मैं शुभकामनाएँ देता हूँ। विशेषकर महेंद्र तेजपाल और जो इस बीच में हमारे सीकर की जो सिविल डिफेंस की टीम भी उनके साथ बराबर जुटी रही और इस कार्य को अंजाम दिया। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है जो हमारे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर है कैलाश,
पहले दिन भी बॉडी तक पहुंचे थे और आज भी उन्होंने पूरे मुस्तैदी के साथ किया और बॉडी को सफलतापूर्वक रिकवर करके और उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। वहां पोस्टमार्टम के बाद में परिजनों को वो शव सुपुर्द कर दिया जाएगा और उसके बाद में मेरा आग्रह रहेगा कि जल्दी से जल्दी, चूँकि वैसे ही लेट हो चुके हैं, अंतिम संस्कार का जो कार्य है वो जल्द संपादित करें। कल से सेना की टीम भी आ गई थी, NDRF भी आ गई थी, हमारी लोकल टीमें आपको पहले पता है ये लगी हुई थी। और कल के बाद में ADM साहब के नेतृत्व में ये तय कर लिया था हमने कि किसी भी कंडीशन में चाहे कोई कैसा भी खतरा हो, मर्दों को बाहर निकालेंगे। कई सारी अडल्ट आपने भी देखा, आज ऐसी स्थितियाँ कई बार दो तीन बार ऐसी स्थितियाँ बन गई कि हो सकता कि बहुत बड़ी कैजुअलिटी भी हो सकती थी, लेकिन उसके उपरांत भी पूरी टीम का ये मन था कि आज इस अभियान को समाप्त करेंगे। और आपने देखा आज ये अभियान को समाप्त ही कर दिया, मनरूप को बाहर निकाल के हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि लंबे समय तक आप भी हमारे साथ इस पूरे अभियान में एक साथी के रूप में आपने काम किया। धन्यवाद, जय हिंद। और किसी अच्छे 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 ओकेजन पे मिलेंगे, बिल्कुल अभी तो एक अपन ऐसी परिस्थिति में पड़े हैं। और आई एम श्योर मतलब दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन को एक दूसरे से सीखने के लिए काफी कुछ है। जी बिल्कुल, नो डाउट, मतलब आप लोगों से सीखने को काफी कुछ है। नहीं नहीं नहीं, आपके निर्देशन में पूरा कार्य होगा। नया बच्चा था, उसने पूरा वो था एक बड़ी बहुत बड़ी खोज है सीकर के लिए। भाई तेज आ रही है तो क्या, बहुत मैच्योर थे। नहीं, इन्होंने तो सैकड़ों ऑपरेशन किए हुए हैं ना। इनके आने के बाद सबसे बड़ा